भारत रत्न, ये भारत रत्न अपने बोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने बोट को बांधने के लिए। आडवाणी जी को जो दिए हैं ठीक है, उसका हम स्वागत करते हैं। अच्छी बात है, मैं भारत रत्न किसी को भी देना एक गर्व की बात है, और हम आडवाणी जी को मुबारकबाद खुद देंगे। देश के लिए जिन्होंने काम किया है उनको सम्मान मिलना चाहिए। हमारे देश के प्रधान जो है प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आडवाणी जी को भी है सम्मानित करेंगे, जो है भारत जो है भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। ये अच्छी बात है, क्योंकि भारत रत्न के लायक आडवाणी जी हैं, क्योंकि हमारे देश में सबका सम्मान होता है। तो अब जो है माननीय जो है प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो सम्मानित जो है होना चाहिए। हमारे देश में खुशी की लहर भी रहेगी और सबको खुशी है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं और हिंदू और मुसलमानों का ख्याल रखा है और इंसानियत का ख्याल रखा है, सबको सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की परंपरा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा होना चाहिए, सभी का सम्मान होना चाहिए। और हमारे देश की सभ्यता पूरी दुनिया में जानी जाए। आज जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी सम्मानित जिस दिन भी वो किए जाएंगे, सारा देश में खुशी का एक माहौल हो जो है होगा। लाल कृष्ण आडवाणी का अयोध्या आंदोलन को लेकर की बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ी भूमिका थी, कैसे देखते हैं इसको? देखिए देश में हमारे देश में जिन लोगों ने भी जो भी काम किया है, चाहे वो मंदिर का हो, मस्जिद का हो, धर्म का हो, जात का हो, जिन्होंने भी अच्छा काम किया है उनको सम्मानित करना चाहिए। ये बड़ी खुशी की बात है। हम भी चाहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी अब जो है उम्र के हिसाब से उनको जो है सम्मानित किया जाना बड़ा बेहतर जो है होगा, क्योंकि अब बहुत बहुत लोगों में एक खुशी की लहर है कि माननीय जो है आडवाणी जी जो है सम्मानित किए जा रहे हैं। अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि सम्मानित होना चाहिए। ये स्वागत करने योग्य, देखिए स्वागत हमारे देश में सभी का होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने भी देश के लिए काम किया है, क्योंकि ये देश की मिट्टी हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा का एक संदेश देती है। आडवाणी जी ने जो काम किया है वो सम्मानित के लायक हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो सम्मानित की खुशी की लहर वो पूरे देश में गूंज रही है।